अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का टाइम है, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप लोगों को खुशियाँ दे ढेर सारी। मेरी दुआ है आप सबको अल्लाह ताला आसानियाँ दे ज़िंदगी में और आखिरत की भी आसानियाँ नसीब करें। तो चलें शुरू करते हैं आज का रूटीन ब्लॉग। जो रूटीन मेरा होता है वही आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। तो आज अभी पहले ना सबसे पहले मैं बर्तन लेती हूँ चाय बनाने के लिए। अभी चाय बनाती हूँ, चाय बना के चाय पी के फिर और काम शुरू करूँगी, क्योंकि हम दोनों हैं चाय के समझ लेना, चाय मियाँ बीवी। तो अभी यहाँ से मैं चीनी और पत्ती निकाल लेती हूँ। ये मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है। अभी करते हैं कैमरे को बंद, क्योंकि मैं चूल्हा जलाऊंगी, ये सब पतीली वतीली को खंगाल के उसमें चाय का पानी भरूंगी। तो कल रात को मैंने बनाई थी बिरयानी, माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी, इतनी बहुत वीआईपी, क्योंकि मैंने कोई बाजार का मसाला नहीं डाला था, मैंने सारे मसाले घर के डाले थे। बस वो कहते हैं ना, आखिरी आखिरी बिरयानी बनी थी। इतनी मज़े की थी, बहुत ही मज़े की थी, माशाल्लाह मेरे बच्चों ने बड़े शौक से ही खाई। आखिरी प्लेट एक बची हुई थी, वो सुबह मेरे बड़े बेटे ने आके खाई कि मम्मी गर्म करके दे दें, मुझे खाना है बिरयानी। शुक्र है बची हुई थी, वरना क्या देती मैं उसको। इतनी मजे की बनी हुई थी। फिर इरादा है कुछ अलग बनाने का, जैसे कि पास्ता हो गया और वो लज़ानिया हो गया, बनाएंगे ऐसा ऐसा एक एक करके चीजें। अभी चाय मेरी होने वाली है, अल्लाह का नाम लेके चाय बन जाए फिर चाय पिए हम दोनों मियाँ बीवी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नींद आ रही है। हमारी चाय तैयार हो गई, मैं चाय निकाल के लेके जा रही हूँ मियाँ के पास। दोनों मिलके हम चाय पियेंगे अभी, उसके बाद में बाकी के काम शुरू करूंगी, क्योंकि तो पहले चाय पियेंगे हम। फ्रेंड्स अब मैं ना नाश्ता बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत तेज धूप हो जाती है, परेशानी होती है गर्मी में। लूं इन बर्तनों को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से बरकत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आटा निकालना शुरू करती हूँ, आटा निकाल के जल्दी जल्दी गूंद लेती हूँ, थोड़ी देर रखूँगी, उसके बाद फिर रोटी बना लूँगी, पराठे वराठे जो भी बनाने होंगे बना लूँगी। आराम से मेरा नाश्ता तैयार हो गया, हो जाएगा टाइम से। मैंने आटा गूंद के रख लिया है, अभी रोटी बनाऊंगी।
शुरू करूंगी रोटी बनाना, तो बस 5 मिनट बाद फिर रोटी बनाऊंगी। पराठे बना रही हूँ, सारी रोटी तो सारी बना चुकी मैं, अभी पराठे बना रही हूँ। भाव को उठाया मैंने, कहा जाओ भाई वीडियो बना लूँ मैं, एक हाथ से कैसे वीडियो बनाऊँ और पराठे बनाऊँ। तैयार करके रखा है, मेरे बड़े देवर को और मेरी एक नंद है, सचुदाया तो माशाल्लाह जवान बच्चों की माँ है, उसको मेरे हाथ के बहुत अच्छे लगते थे पराठे। कुछ भी हो जाए खाना होता था भाभी के हाथ का पराठा। वो मेरा देवर भी शादीशुदा हो गया, फैमिली वाला हो गया था, साथ रहते थे, कहता था बीवी से, भाभी से पराठा लो, भाभी वो चिढ़ जाती थी, कहती थी हाँ मैं इधर मेहनत से बनाती हूँ, लेकिन खैर है अच्छी, वो भी अल्लाह उसको सलामत रखे। हम दोनों ने 9 साल साथ गुजारा है माशाल्लाह, अच्छा वक्त गुजरा है, अल्लाह का शुक्र है। पराठे बनाते थे बच्चे सारे, वो उसके बच्चे भी कहते थे चाची से लेके दो पराठा, चाची से लेके दो पराठा। मेरा बड़ा बेटा कहता था, उसका चक्की काटा होता था हमारा फैन, मेरा बड़ा बेटा कहता था चाची से लेना है पराठा, वो मतलब उसके बच्चे मुझसे, मेरा एक बेटा उससे, उसको चक्की के आटे का पराठा अच्छा लगता है बड़े वाले को ना। मैं जिस मस्जिद की बात कर रही थी फ्रेंड्स, वो उस मस्जिद का इंशाल्लाह जैसे ही मेरा अल्लाह ताला ने मेरा गांव जाने किया ना, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी उस मस्जिद की, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो मस्जिद कौन सी है और कहाँ है वो मस्जिद, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला जब मैं जाऊंगी गाँव। पक्का वादा नहीं करती कि अभी जाऊंगी, ऐसा नहीं है, जब इंशाल्लाह मेरे हालात अच्छे होंगे, जाना होगा मेरा तो मैं जाऊंगी, तो फिर वो मस्जिद की वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मस्जिद है और इस मस्जिद में मैं कुछ, इस मस्जिद के लिए कुछ करना चाहती हूँ इंशाल्लाह ताला। वहाँ छोले लाया है, वो इसमें डाल रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगवाया साग था, साग कह रहे 1 घंटे बाद आएगा, तो फिर ये छोले लेके आ गया। आज नाश्ता हम करने वाले हैं छोले से, पराठा छोले खाएंगे। साग आके 1 घंटे बाद इन्होंने तो अपनी रोटी उठा ली, अब आपकी बारी है वहाब जानी। ये क्या है, तू पिटेगा मुझसे और कुछ नहीं है। उठा ली। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता और मेरे मियाँ का नाश्ता ख़त्म हो गया, हम दोनों नाश्ता करके फारिग हो गए, हट गए। अब्दुल वहाब नाश्ता कर रहा है, मैं जा रही हूँ चाय गरम करने। चाय गरम करके लाओ, शाबाश। तड़ियाँ देखो इसकी, ये देखो मोटा, गुड मॉर्निंग मोटा। गुड मॉर्निंग मोटी। मैं चाय गरम करके ले आई हूँ, अभी चाय पी रहे हैं हम तीनों और फिर हमारा नाश्ते का हो जाएगा इख्तिताम। उसके बाद बाकी के जो भी काम होंगे रूटीन के हिसाब से सारे आप लोगों को बताती जाऊंगी। फ्रेंड्स मेरा सारा काम ना ख़त्म हो गया, सारा मैंने सहन वहन धो लिया, बर्तन भी धो लिए सारे के सारे, और ये सारा धो लिया, और ये कमरा भी मैंने समेट लिया, चटाई इतने दिनों से हटाई हुई थी मैंने, ये भी बिछा दी मैंने, पूरा ये कमरा साफ करके ना मैंने। हमारी शाम की चाय की तैयारी हो रही है, मेरा मियाँ चाय बना रहा है रोज की तरह। इनको मैं चीनी निकाल के दे देती हूँ ऊपर से, चीनी और पत्ती। ये पकड़े आप, ये ले पत्ती का डब्बा ले, जल्दी से ये ले लें।
ये चाय बना रहे हैं। वो जूते साफ कर रहा है अपने भाई के, रऊफ मेरा नहीं। और ये तीनों यहाँ लेटे बैठे हुए हैं, वहाब बैठा हुआ है उधर, जब्बार की पीठ है, सिद्दीक तकिया दे रहा है अपने सामने। सिद्दीक मेरा सबसे बड़ा बेटा है जो अपने आप को छुपाता रहता है, पर छुप नहीं पाता, किसी न किसी वजह से वीडियो में आ जाता है। ये इन चारों का बाप है। हम है क्या? अच्छा यार, ये वाले कप में नहीं, मुझे उस वाले ब्लू वाले में, दो दिल वाले में, इस वाले में नहीं, थक गई मैं इस कप में चाय पी पी के, मुझे इस वाले में चाहिए। ये वाला ब्लू हटाओ। थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके बना रहे हैं ये, इनकी चाय हो गई है, हम इनके साथ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं इनके साथ, चाय का वेट कर रहे हैं, चाय बन जाए फिर चाय पिए हम, शाम की चाय ये बनाते हैं और हम सब पीते हैं मिलके, और सुबह चाय नाश्ता वास्ता सब मैं बना के देती, बस एक वक्त की शाम की चाय इनके हाथ की हम पीते हैं, हमें अच्छी लगती है इनके हाथ की चाय। आप लोग भी पियोगे ना इनके हाथ की चाय, भूल जाओगे घर की चाय, ऐसी चाय बनाते हैं, आखरी चाय। मेरा काम तो सारा हुआ हुआ है, बस रात के खाने की तैयारी करनी है, अभी कुछ सोचा नहीं है क्या बनाए, सोच लेंगे फिर कुछ ना कुछ बनाएंगे। कल तो बनाई थी बिरयानी, अब आज पता नहीं क्या बच्चे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। बनाएंगे फिर आप लोग शेयर करेंगे जो भी पकेगा घर में। मैं ट्रे दे रही हूँ आपको, मैं रख के सारी चाय ले जाओ, मेरी चाय धरी छोड़ देना, इसमें रखे ये ऐसे ऐसे अपनी चाय इसमें रखो, ये हो गई। अब मैं ये अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा रही हूँ, एक ही हाथ से उठाना पड़ रहा है, नहीं मेरी चाय रहने दो आप। ये लो बच्चो, आज मैं बना रही हूँ मेथी आलू, बच्चों ने बोला है आलू मेथी बनाए तो वो बना रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड से भी थोड़ी सी बात कर दूं, कैसे हैं आप सब। और आप सोच रहे होंगे कि हर वक्त आलू खाते हैं, तो हमारे यहाँ ना हर चीज से ज्यादा पसंद आलू को किया जाता है, मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है, आलू बहुत शौक से खाते हैं, कुछ भी पकता है ना, बिरयानी भी बने तो उसमें आलू, चिकन बने उसमें आलू, आलू आलू हो जाती है जिंदगी, तो ये आलू तो लोगों ने खाने हैं, आज बना लो आलू मेथी में। ये मेरे मियाँ जी बैठे मेरे साथ। आप सुनाओ, ठीक हम तो ठीक है, आप बताएं। ठीक है, नहीं आज ठीक नहीं। क्या हुआ? सर में बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह मैं ना सब्जी बनाना शुरू कर रही हूँ, जब तक प्याज काट रही हूँ, जल्दी जल्दी से प्याज काट लूँ
सोचा आप लोगों से बातें भी की जाए थोड़ी सी, तो ये खाना भी इतनी देर में बन जाएगा, जितनी देर आप लोगों से बातें करेंगे हम। अभी मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। अल्लाह का नाम लेकर सबसे पहले तो सुबह से रात में भगवान रहे हैं। बाप को जाना है कॉलेज पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर, तो बड़े वाले बेटे की मीटिंग थी, वो चला गया अपने काम से। छोटे भी दोनों जॉब के लिए गए हैं कहीं इंटरव्यू देने के लिए। दुआ करें कि उनको भी जॉब मिल जाए, खुदा करे इंशाल्लाह ताला। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, फिर जल्दी जल्दी खाना बना के फारिग हो जाऊँ। दिन भर गर्मी इतनी होती है पाकिस्तान में, कहीं कहीं तो बारिश हो रही है, यहाँ कराची में नहीं हो रही है। पता नहीं क्या मसला हो गया है, कराची में भी हो गया ना सुकून आ गया। और वहाँ आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरी वीडियो बना रहे हैं? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कमेंट भी कर दिया करें। आप वीडियो देख के चले जाते हैं, आप सब्सक्राइब करने में वक्त ही ना लगता है, तो आप ऐसा ना करें। आप साथ है हमारा। क्या कहें और बताएं क्या हालात है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, जिंदगी बहुत लंबी दे, सलामत रहें आप सब के सब, खुशियों से अल्लाह ताला आप लोगों के रौनक हो। अल्लाह पाक से दुआ है आप सब के लिए, खुश रहे आप सब।
मैंने इसमें मेथी भी डाल दी है, इसमें कैसा मान रही हूँ। ये अब्दुल वहाब इस्त्री कर रहा है खुद के लिए, अभी इसको कॉलेज जाना है पढ़ने, तो ये इस्त्री कर रहा है अपने लिए खुद के लिए। सीधी बात है, मैं नहीं करके देती लोगों को इस्त्री, कभी कभार बड़े वाले बेटे के कर देती हूँ, ज़्यादातर बड़े वाले भाई के भी ये करता है और अपने भी ये खुद करता है, और छोटा वाला भी तंग करता है वो भी करवाता है, लेकिन जब्बार और ये खुद करते हैं। बड़ा और छोटा वो कहते हैं हमें करके दो, और ये दोनों जो हैं ये कहते हैं कि हम कर लेंगे। ये ऐसे बच्चे मेरे, ये जो बर्तन इस्तेमाल हुए ना ये धो लूँ पहले, साथ साथ काम भी करती रहूँ और आप लोगों के लिए बातें करती रहे, तो वो सब्जी तो चढ़ा दी मैंने, आलू मेथी बना रही हूँ, मेरे का बर्तन धो लूँ बाद में आटा गूंथूँ। पता है क्या है, हदीस शरीफ में आता है कि रात के जो बर्तन है ना झूठे रखने नहीं चाहिए, धो देने चाहिए इनके, अगर झूठे बर्तन पड़े हो ना तो फिर बेबरकती आती है घर में। तो मैं ना अपने बर्तन धो देती हूँ, मैंने छोड़ दी कोई भी बर्तन सारा, और तो और किचन आकर जो पूरा धो था साफ सुथरा करके छोड़ देती हूँ, ताकि पूरे का पूरा है ना कोशिश यही रहती है मेरी कि हदीस पे अमल किया जाए। बाप अगलास दे, मेरा काम भी होता रहे साथ साथ, और मेरी आज के नहीं शुरू की आदत है, मैं अपने रात के बर्तन रात में ही धो के डाल देती हूँ, उसके बाद सब कुछ क्लियर मिलता है। अगर मियाँ या बच्चे चाय बनाना चाहें सब साफ सुथरा हो तो आराम से ये लोग बना लें। मैं आटा निकालने लगी हूँ, आटा जल्दी से गूंथ के रखी, जब तक सब्जी होगी बर्तन तो मैंने धो लिए जल्दी से, जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए मेरा ईशा, फिर आराम से पढ़ लूँ। फिर वहाब आता है 9:30-10 बजे तक, तो फिर ये आता है तो फिर हम तीनों खाना खाते हैं, वहाब मैं और इसका अबू। वहाब की पता क्या आदत है, वहाब जो है हमारे मेरे बगैर खाना नहीं खाते, माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, अल्लाह इनको सलामत रखे चारों भाइयों को, लेकिन क्या है कि मेरे बगैर ये खाना नहीं खाता। तो कभी अगर ऐसा हो मैं सो जाऊं या मैं खाना खा लूं भूख लग जाए जल्दी खा लूं, नहीं खाता। अब मैंने भी आदत बना ली है, मैं भी इसके बगैर नहीं खाती, कहीं भी हो आएगा तो साथ ही खाएंगे खाना, हम तीनों साथ मिल के खाते हैं, इसका अबू मैं और ये, बाकी तो खा लेते हैं बच्चे। अभी मेरा आटा ना गूंद रही हूँ तो गूंद गया है बस तकरीबन, अभी इसको रखने वाली हूँ, जल्दी से गूंद के रख लूँ फिर सब्जी पैक करूँ। मैं ना अब रोटी बनाना शुरू कर रही हूँ, रोटी बना लूँ उसके बाद मेरा किचन का काम खत्म होगा, रोटी बना के किचन विचन धो वो फिर फारिग हो जाऊंगी, फिर वीडियो का एंड करूंगी इंशाल्लाह, फिर आएंगे बच्चे खाना वाना खाएंगे, क्योंकि आज अब्दुल रऊफ और अब्दुल जब्बार भी गए हुए हैं काम के सिलसिले में और इंटरव्यू देने, और जो है वहाब कोचिंग सेंटर से दिख चला गया ऑफिस, तो हम दोनों मियाँ बीवी अकेले हैं दोनों घर में, आज इन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ है कैमरा पकड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चले आप ड्यूटीज निभा लें, पहले तो वहाब करता रहा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम शुरू करते हैं रोटी बनाना। मैं रोटी बना रही हूँ, व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारा साथ दें, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, और आप जिस तरह वीडियो चाहते हैं ना आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस तरह की बनाएंगे वीडियो, आप बताएं तो सही कमेंट में एक बार। मैं तो अपना रूटीन का आप लोगों से बताती हूँ कि मेरा रूटीन का काम यही है कि मैं बच्चों को खाना बना के दे दिया, घर के काम कर दिए, ये सारा मेरा रूटीन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाहर जाना होता है तो वो भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि भाई मैं बाहर गई हूँ। आप लोग सोचते होंगे एक ही चीज हमारी जिस तरह हमारी एक ही चीज दिखा दिखा के हमें बोर कर रही है, लेकिन आप लोग कमेंट में बताएं हम उस तरह की वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो
मैं ना तो यही है कि मैं रूटीन का दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मेरा रूटीन का यही काम है, मेरी मसरूफियत यही होती है। हमारा गांव जाना हुआ तो फिर गांव की वीडियो दिखाएंगे, फिलहाल तो हम कराची में हैं, तो कराची में तो कहीं जाना होता है तो बना देते हैं, वहां के भी लोग बना लेते हैं, नहीं तो घर में है तो घर का बना रहे हैं। आप लोगों को पसंद आती है एक वीडियो तो भी कमेंट में बताया करें, नहीं आती है तो भी बताया करें, ताकि हम गलतियों से अपने गलतियां ना सुधार लें। हमें पता नहीं चलता कि हम कैसी वीडियो बना रहे हैं, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे हमें बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि भी हम वीडियो सही बना रहे हैं या खराब बना रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो आप बताएंगे तो ही तो पता चलेगा कि भाई हाँ वीडियो ऐसे बना रहे हैं, सही बना रहे हैं या नहीं, हमारे व्यूवर्स को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, उस हिसाब से हमें बताएं आप। तो आप बताएंगे तो इंशाल्लाह हम वैसे ही करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि मैं रूटीन का आप लोगों को बताती हूँ, तो रूटीन का वही है जब उसकी तरह मेरा भी काम खत्म हो गया। मैंने किचन सारा धो लिया, देखिए सारा समेट लिया है, बर्तन वर्तन भी धो लिए, समेट के देख रहे हैं सारे चिंता हुआ है, सारा धो चुकी, खाना खाएंगे अभी, मेरा मियाँ भी खाना खा चुका है और रऊफ ने खाना है और वहाब ने खाना है, अभी वहाब आएगा पढ़ के तो फिर खाना खाएंगे हम, और जबार खा चुका खाना, तो जो है रोज़ की तरह हमेशा की तरह आपसे कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें, और अगर ना लगे तो भी आप कमेंट में बता दिया करें, आप अपने हिसाब से आप जैसे चाहेंगे वैसे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन आप हमें कमेंट में बता दें ताकि हमें ना मतलब जो गलतियाँ आ रही हैं वो गलतियाँ हम दोबारा से ना दोहराएं, ताकि हम उस चीज़ पर फोकस कर सकें, हम लोग जिस तरह आप लोग चाहते हैं उस तरह कर सके हम, कि आप लोग जो है ना आप लोग किस तरह की वीडियो पसंद करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या जो भी बात है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, आप हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है, आप लोग सब हमारे अपने हैं। तो आज की वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो रोज़ की तरह वही बात कहूँगी कि आप नमाज़ पढ़ा करें, कुरान भी पढ़ा करें, आप अगर कुरान पाक पढ़े हुए तो कुरान भी पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह को याद रखें हर चीज़ में, हर मकसद में अल्लाह को पहले रखें, ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, इस वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।